अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके? हम लोग आए हैं शारजा इस्तांबुल सुपरमार्केट में। यहाँ से ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। आज मुझे लेनी थी टूटी फ्रूटी, तो मैंने कहा वो भी यहाँ से ही मिलेगी तो ले आती हूँ। मैंने वैसे लुलु सेंटर एक दो और सुपरमार्केट से पता की है, लेकिन मुझे मिली नहीं। तो यहाँ फिर अर्शी ने कहा कि मैंने यहाँ देखी थी तो कन्फर्म है कि वहाँ से मिल जाएगी। तो हम लोग आए हैं जी वो लेने के लिए, और लैपटॉप भी दिए हुए थे शारजा रिपेयरिंग के लिए। मैंने कहा वो भी पता कर लेती हूँ, लेकिन वहाँ तो उन्होंने कहा है कि वो आप कल आके ले लीजिएगा। तो हमने कहा चले हम अपने बाकी काम तो कर लेते हैं। तो ये सुपरमार्केट बड़ी अच्छी है, इसमें जो फ्रूट्स हैं ना, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, ये बड़े अच्छे मिल जाते हैं और हर क्वालिटी के मिलते हैं। इनके पास काफ़ी टाइप्स के हैं, डिफरेंट कंट्री से आए हुए, प्राइसेस इतनी अच्छी हैं। और मैंने तो जब भी लेने होते हैं मैं यहाँ से ही आके ले लेती हूँ, अच्छे मिल जाते हैं। और साथ ही फिर मैंने कहा चले आगे ईद आ रही है तो मैं खीर के लिए भी ये जो प्लेन वाले बिल्कुल होते हैं कैशियो, वो खीर में डालती हूँ तो वो भी ले लेती हूँ। कॉर्न बड़ी अच्छी इनके पास से मिलती है, उदैबिया खुश हो के खाती है। स्पाइसी भी मिलती है, नॉर्मल वाले भी मिलती है। उसके अलावा इनसे ही स्वीट वाले कैशियो मिलते हैं, और स्वीट वाले कैशियो आपको और कहीं से भी नहीं मिलेंगे, बस यहाँ से मिलेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये मिल गई टूटी फ्रूटी, तीन कलर्स में इनके पास अवेलेबल थी, लेकिन मुझे इतनी फ्रेश नहीं लगी जितनी ये फ्रेश होती है, लेकिन ठीक थी। मैंने टेस्ट की तो मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। ये मुझे मिली है 20 दिरहम पर के जी थी, तो मुझे थोड़ी सी चाहिए थी तो वो मैंने ले ली। और उसके साथ फिर दूसरे बादाम वगैरह मैंने कहा वो भी ले लूँ। और उसके बाद हम लोग आ गए जी गिफ्ट मार्केट, और गिफ्ट मार्केट में आप देखें ये फ्लावर पॉट, इसमें आप आर्टिफिशियल फ्लावर भी रख सकते हैं, दूसरे फ्रेश फ्लावर के भी छोटे छोटे गमले आप इसमें रख सकते हैं। और साथ ये ट्रे डेकोरेटिव, ये भी मेटल की ना, गोल्ड कलर में ये ट्रे, ये भी काफ़ी शेप्स में अवेलेबल है। राउंड भी है, ओवल भी है, सर्कल वाली भी है, काफ़ी शेप्स में, और साइज़ भी आपको छोटे बड़े मिल जाएंगे। ये अच्छी लगती हैं, मैं तो आगे लेके गई थी। और ये कवर के साथ भी कैंडी बॉक्स है, ये प्लास्टिक के कवर के साथ भी हैं और दूसरी नॉर्मल वाली भी हैं। और यहाँ ये देखें, ये भी नया मटेरियल आया था, ये लोग अभी लगा रहे थे। गिफ्ट मार्केट आना नहीं था, बच्चे सालार रमदान घर ही थे और अभी हमने खाना भी बनाना था, तो लेकिन इसलिए आ गए कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड है, उन्होंने हमें एक दो चीज़ें कही थी कि ये आपकी वीडियो में देखी हैं तो आप ना हमारे लिए वो ले लें। वो यहाँ नहीं होते, वो पाकिस्तान होते हैं, तो वो कभी कभार फिर उनका चक्कर यहाँ लगता रहता है, तो वो फिर हमारे से पिक कर लेती हैं। तो वो उनके लिए फिर मैं आई थी वो चीज़ें लेने के लिए। तो आगे फिर मैंने कहा चलें अब थोड़ा बहुत और भी देख लेती हूँ कोई नया आइटम आया हुआ है कि नहीं। और उदैबिया ने कहा कि मैंने स्कूल के लिए कैप लेनी है, तो कैप तो काफ़ी अच्छी थी बच्चों के लिए ना, 7 दिरहम 8 दिरहम में कैप थी, लेकिन ना लूज़ थी थोड़ी, टाइट भी करने की कोशिश की है तो सही फिट नहीं आई। और उसके अलावा जी ये चाइना सिल्क होती थी, आप लोगों को पता होगा, बहुत पुरानी आई थी, हमने सूट भी बनवाए थे उस टाइम में, अनमैरिड थी जब चाइना सिल्क आई थी। तो ये उनके ना दुपट्टे बड़े अच्छे मल्टी कलर में आए हुए हैं, तो ये लॉन के सूट के साथ भी अच्छे लगते हैं। अब जैसे गर्मी आ गई है, समर का अगर टू पीस ड्रेस है तो आप इसमें से मैचिंग ले सकते हैं। और ये इतने सस्ते 2 दिरहम का ये दुपट्टा था, और दुपट्टा सही है, स्टैंडर्ड साइज़ जैसे दुपट्टे का होता है ना, उसकी लेंथ और उसकी विध वगैरह सारी। तो ये मैंने कहा चलो मैं अपनी सिस्टर को भी दिखा दूँ। तो बस गिफ्ट मार्केट में हसबे रूटीन रश था, तो मैं तो बस जल्दी जल्दी में ही कैप के लिए ऊपर वाले पोर्शन में गई, और उसके बाद फिर मैंने कहा अब घर की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारा काम नहीं था। अगले दिन भी मैं आई थी उस दिन शॉपिंग करके, ले जाती हूँ महीने में एक आध दफ़ा चक्कर लग जाता है, क्योंकि टिशू वगैरह डस्टबिन के बैग वगैरह मैं यहाँ से ही लेती हूँ, या जो भी जो चीज़ मुझे कहीं से ना मिल रही हो ना, मेरे माइंड में फ़ौरन आ जाता है कि वहाँ से वो मिल जाएगी। बड़ी अच्छी सुपर मार्केट है। और उदैबिया को ये नज़र आ गया जी अपनी ये स्कूटी स्कूटर टाइप, तो कहती है कि मुझे ये लेके दें। तो बस उदैबिया ने ये स्कूटर लिया, उसके बाद ये साथ अलवादा बनी हुई है, इसमें से फ्रूट्स बड़े अच्छे मिल जाते हैं। और सब्ज़ी मंडी से हम लेके आते हैं फ्रूट्स, या फिर अगर लेने हो तो अलवादा से ले लेते हैं। और उसके बाद जी अभी हम जो लोग जा रहे हैं घर की तरफ, और उदैबिया का सुबह स्कूल भी है बच्चों का, सालार रमदान की कॉल आई है कि भूख लगी है जल्दी आ जाएं, हमें वेट कर रहे हैं। तो बस अर्शी ये सामान रख रहे हैं, और इतनी इनकी खुली पार्किंग है, मैं तो जब भी आती हूँ ना मैं गिफ्ट मार्केट वालों की पार्किंग में नहीं लगाती, मैं दूसरी पार्किंग में लगाती हूँ। और हम घर पहुँचे हैं तो ये बच्चों ने अपनी भूख का खुली हाल निकाल लिया था, उन्हें पता चल गया कि लेट हो गए, और ये बनाए हैं जी देखें स्नैकर, इतने सख्त और सारे जला दिए हैं।
जाता हो। मुझे कहते हैं हमने आपके लिए भी रेडी कर लिया, 4 हमने बना लिए हैं। मैंने कहा बच्चों का दिल टूटेगा, बच्चों ने इतने प्यार से बनाए हैं। मैंने कहा चले इस तरह नहीं, फिर मैंने बताया कि ऐसे बनाया करें, ऐसे बनाया करें, तो खैर मैंने खा लिया जैसा भी था। हम लोग पहुंच गए हैं जी घर, और हमारे जाने से पहले हमदान कटिंग के लिए गया हुआ था और कटिंग करवाई है। दिखाएं हमदान, इसकी हेयर सिल्की है ना, तो बस इसकी कटिंग की शेप ऐसी रहती है, माशाल्लाह अच्छी लग रही है। दिखाएं आगे पीछे से भी दिखाएं ज़रा बैक साइड पे। हाँ जी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। और अभी जी मैं आपके साथ शॉपिंग ये शेयर करती हूँ। ये उदैबिया ने ली है जी स्कूटी पिंक कलर की, ये इसे मिली है 15.99 दिरहम की। ये उदैबिया स्कूटी लाई, इसमें तो 3 कलर और भी थे, इसको यही अच्छा लगा था उदैबिया की। और ये एक ना पिलो टाइप लाई हूँ सोफ़े पे रखने के लिए, ये मेरे सोफे से कुछ कुछ मैच कर रहा था ना, तो मैं बैठती हूँ ना, तो ये फोम का बना हुआ है, ये 10 दिरहम का मिला, मुझे अच्छा लगा कवर के साथ ही मिला है, तो मैंने कहा ये भी। और ये बास्केट मेरे फ्रायर की ना बास्केट का ये एक ख़राब हो गया, मैं आपको दिखाऊंगी, तो ये मुझे अच्छी लगी वहाँ। अब देखें पता नहीं ये फिट आती है नहीं आती। 9 दिरहम की ये मुझे मिली है डीप फ्रायर की बास्केट। उसके बाद जी ये मैं लाई हूँ, ये जो हमारा सोफ़ा है ना ये वाला, मैंने कहा इसको ना, ये बड़ा प्यारा था, अभी भी इसके जो ऊपर वाला कपड़ा है ना डल हो गया, तो ये सोफ़ा कवर ना 20 दिरहम का मिला है, 90x140 cm सिंगल सीटर वाला मैंने लिया है। ये ऐसे स्ट्रेचेबल टाइप है, इलास्टिक इसके अंदर है, तो देखें अब मैं इसके ऊपर छुड़ाऊँगी तो सही फिटिंग आती है या नहीं आती, तो ये अभी पता चलेगा। और ये मीठी को ना फ्रूट्स वाली रिंग्स अच्छी लगी, ये इसने ली हैं, ये सारी रिंग्स हैं फ्रूट्स बने हुए हैं, तो ये कहती है कि मामा मुझे बड़ी अच्छी लगी है, मैं ले लूँ। मैंने कहा ले लें, क्यूट लगती हैं बच्चों को पहनी हुई ना, ये सारे फ्रूट्स हैं, तो ये उदैबिया ने ली हैं। ये एक एक्टिविटी बुक ली है, और जी ये अलवादा से फिर सब्जियाँ, ये तो लेनी होती हैं। और यकीन करें ये सब्ज़ी मंडी में महंगी थी, गोभी मुझे 10 दिरहम का फूल मिला था, और यहाँ से ये 5 दिरहम का ये मिला है। और ये बैंगन लिए हैं, मैंने कहा अब गर्मी आ गया ना, तो बैंगन का मैं ना भरता बनाती हूँ, तो ये उसके लिए बैंगन लिए हैं, ये टमाटर लिए हैं। हमदान बेटा ये फ्रिज में आप रखते जाएँ ये वाले सारे। और ये फ्रूट चाट बनाने के लिए मैंने अमरूद लिए हैं वहाँ से दिखाएँ। और ये बंस लाई हूँ, मॉडर्न ब्रांड के बंस यूज़ करती हूँ। ये कसूरी मेथी तो हमने इस्तांबुल सुपरमार्केट से ली है 1 दिरहम की, पहले तो मैं वो यूज़ करती हूँ वो जिसके ऊपर बाबा बना होता है, तो वो भी अच्छी है, लेकिन इस दफ़ा ये मैंने कहा ट्राई करती हूँ इस्तांबुल वालों की, ये भी इंडिया स्पाइसिस टाइप है। और ये अच्छी है, बिस्किट लिए हैं कुछ, ये भी बंस लिए हैं, बच्चे से जाते हैं ना तो स्नैक का सा बना के देती हूँ। ये चॉकलेट केक मुझे अच्छा लगा था लास्ट टाइम मैंने वो कस्टर्ड में डाला है ना। और जी दिखाती हूँ, ये इस्तांबुल सुपरमार्केट से ना, मैंने कहा आगे ईद आ रही है ना, तो फिर ऐसे ही जेन में आ गया, मैंने कहा सादा वाले कैश्यू खीर में डालती हूँ, बादाम नहीं डालती, तो ये 17 दिरहम के मैंने वहाँ से लिए हैं, 35 दिरहम के ये पर केजी थे सादा कैश्यू, तो वहाँ से ये सस्ते, जितने भी ये नट्स हैं ना ड्राई फ्रूट्स वहाँ से सस्ते मिल जाते हैं। ये मैंने वैसे ही बादाम ले लिए, ये भी 35 दिरहम के पर केजी थे अमेरिकन वाले, तो ये भी इस्तांबुल सुपरमार्केट से। साथ ये जी टूटी फ्रूटी लाई हूँ मैं, ये टूटी फ्रूटी, ये आइसक्रीम के ऊपर कस्टर्ड के ऊपर, ये भी बड़ी मज़े की लगती है। उसके बाद ये अंजीर, लास्ट टाइम गई हूँ सब्जी मंडी तो अर्शी अंजीर खाते हैं ना तो याद ही नहीं रही, तो ये 45 दिरहम की पर केजी थी, तो फिर इस्तांबुल सुपर मार्केट में नज़र आ गई है, तो वहाँ से ही मैंने ले ली है ये जी। और ये लेबन ली है लस्सी, गर्मियाँ आ गई हैं बस, अब लस्सी तो मेरी आपको पता ही है मैं पीती हूँ। ये स्ट्रॉबेरी मिल्क मैंगो जूस उदैबिया के लिए, ये उदैबिया को मरमूम ब्रांड का ये अच्छा लगता है। ये मुझे पकड़ाएं मीठी, इधर आएँ आप इधर आएँ मीठी, देखिए ना हालत ज़रा हर तरफ छापर ही छापर। और ये हमारे रह गए थे जी जो पेपर हमारे प्रिंटिंग के ना, प्रिंटर पेपर रह गए थे 14 दिरहम के, कॉपी पेपर जो
ये भी मिल गए थे, और ये वो जो बैर था ना, ये स्टडी टेबल रविया के लिए लिया था, बच्चों के ले लिया मैंने, पहले हमारे पास था प्लास्टिक का, वो मैंने गिरा दिया था, ऐसे दिल भर गया था उससे, तो ये फिर मैंने लिया, अच्छा लगा मुझे, मैंने कहा इसका साइज़ ठीक है, कभी कभी इस टेबल के यहाँ नीचे ही रख लेती हूँ रविया, कभी यहाँ बैठती है ना तो बड़ा झुकती है वो, तो इसलिए फिर मैंने ये लिया। और ये थी जी हमारी आज की शॉपिंग, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।